हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। गोरखनाथ मंदिर में युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 49वीं पुण्यतिथि एवं ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की चतुर्थ पुण्यतिथि समारोह के अंतर्गत स्वच्छ भारत समर्थ भारत की आधारशिला है विषय गोष्ठी हुआ संपन्न। पूर्व गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद ने रखे अपने विचार। नगर मजिस्ट्रेट SDM सदर और नगर निगम की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर थर्माकोल से बने प्रतिबंधित बर्तनों का जखीरा किया बरामद। 25,000 का काटा चालान, संदिग्ध भवन को किया सील। मुहर्रम और गणेश उत्सव पर्व को सकुशल संपन्न कराने पर मुतवली एक्शन कमेटी ने DM और SP सिटी को किया सम्मानित। ADM सिटी की अध्यक्षता में संपन्न हुई व्यापार बंधु की मासिक समीक्षा बैठक, व्यापारियों की समस्याओं के समय से निस्तारण के दिए निर्देश। SC ST एक्ट का संयुक्त मोर्चा ने किया विरोध, विश्वविद्यालय के शिक्षकों पर लगे मुकदमे को वापस लेने के लिए SP सिटी को दिया ज्ञापन। गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रावास में हुई छात्र की पिटाई में आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होने पर छात्रों ने किया SP सिटी से मुलाकात, सौंपा ज्ञापन। 13 सूत्रीय मांग को लेकर राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन ने मुख्य अभियंता कार्यालय पर 48 घंटे के लिए शुरू किया उपवास। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर भारतीय संस्कृति निधि द्वारा आयोजित की गई गोष्ठी, वक्ताओं ने रखे अपने अपने विचार। पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने की मांग को लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने किया बुद्धि शुद्धि यज्ञ, 8 को करेंगे लखनऊ में धरना प्रदर्शन। पूर्वांचल कला सम्मान समारोह में कला के माध्यम से कलाकारों ने दिखाई अपनी प्रतिभा, समाज को दिया संदेश। और अंतर संकाय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग में वाणिज्य संकाय ने कला संकाय को हराकर फाइनल में जगह किया पक्का।